लूट के इरादे से दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वाले लुटेरों से पुलिस का रतनगढ़ के जंगलों में मुठभेड़ हो गया, जहां एसडीओपी अखिलेशपुरी गोस्वामी नगर निरीक्षक उपेंद्र दुबे ने लूट में शामिल एक लुटेरा बंटी कुशवाहा की शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके साथ ही लुटेरे घने जंगल की ओर भाग गए हैं। पुलिस लगातार उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। तौतिया जिले के इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र के थाना इंद्रगढ़ में दवा व्यापारी को लूट के इरादे से 5 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े हुई इस घटना के इलाके में सनसनी फैल गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में समस्त दवा व्यापारियों ने एक दिन विरोध स्वरूप अपने अपने मेडिकल स्टोर दुकानों को बंद रखा। जनता का विरोध बढ़ता देख ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। लुटेरों पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। फलस्वरूप घटना के तीसरे दिन ही पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुखबिर सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों को रतनगढ़ के जंगलों में देखा गया है। सूचना पर पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया, जहां पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। शॉर्ट एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा घने जंगलों में भाग गया। रतनगढ़ के जंगल में सेवड़ा पुलिस ने बदमाशों का किया एनकाउंटर। एक बदमाश गोली लगने से घायल। दवा कारोबारी घनश्याम दास अग्रवाल के साथ लूट और हत्या करने वाले बदमाश से पुलिस की रतनगढ़ के जंगल में हुई मुठभेड़। घने जंगल में खमरौली रोड पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी। बदमाशों ने पुलिस पर किए फायर। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। 3 दिन पहले इंद्रगढ़ में दवा कारोबारी के साथ लूट के उद्देश्य से गोली मारकर की गई थी हत्या। कल आरोपी बृजेश प्रजापति और दीपक कुशवाहा की हुई थी गिरफ्तारी। आज बंटी को मुठभेड़ में लगी गोली। अब भी दो लुटेरे फरार हैं। लगभग शाम को 4:45 बजे यहाँ इंद्रगढ़ कस्बे में, जिसमें ये दवा के जो थोक कारोबारी हैं उनके साथ में ये लूट और हत्या की घटना खारिज की गई है। इसमें हमें कुछ बहुत ही ठोस सुराग मिले हैं और हम रीफ पे काम कर रहे हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक SIG भी गठित की गई है और मेरे द्वारा जो फरार आरोपीगण हैं उनके ऊपर 30,000 रुपये प्रत्येक पर इनाम भी घोषित किया गया। हमें बहुत ही ठोस सुराग मिले हैं और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसमें विधिवत आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें।